नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ना नेटवर्क और मैं हूं इमरोज़ अहमद। आपको बता दूं कि ये जो दृश्य देख रहे हैं ये छठ व्रती महिलाएं हैं जो चैती छठ करने सिवान के दाहा नदी घाट पर पहुंची हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि अर्घ दिया जा रहा है और चैती छठ, छठ का मेन मतलब आस्था से जुड़ा है। किसी की मन्नतें पूरी होती है तो कोई मन्नतें मांगने जाता है। आप देख सकते हैं महिलाएं गीत भी गा रही हैं, हालांकि प्रशासन की तरफ से इसकी अनुमति नहीं है और किसी भी तरह का त्यौहार किसी को भी वो अपने घर में मनाना है। लेकिन आप देख सकते हैं धीरे धीरे लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है और घाट पर शाम का वक्त है और लोग छठ करने पहुँचे हैं। हालांकि इसके पहले जो सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से मनाही नहीं थी, तब हालात यहाँ ऐसे होते थे कि पैर रखने की जगह नहीं होती थी। कोरोना को देखते हुए भीड़ काफ़ी कम है और बहुत कम लोग पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये पूजा की सामग्री है, लोग अर्घ दे रहे हैं, शाम का वक्त है। आइए बात करते हैं, कुछ लोग मौजूद हैं, उन लोगों ने क्या कुछ कहा है। कैसे यहाँ पे पूजा पाठ हो रहा है क्योंकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है? डबल सिंगल छठ त्योहार आया है तो किसी तरह चला नहीं, पर्व तो करना होगा। हिंदू का पर्व है, छठ माता का पर्व है, ये सब महान पर्व है तो हम लोग करे हैं, लोग आए हैं लोग, तो इसमें तो अपने आप को बचाते हम लोग बचाते हैं, मास्क लगा कर आए हैं, इसी तरह बचाव उचा कर रहे हैं लोग। कोरोना का ख्याल आप लोग रखते हैं? बिल्कुल, जो गाइडलाइन है वो हम लोग मना कर दिया था, प्रशासन मना किया है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने से गाइडलाइन करके ही चले। पर कल भी छठ हम लोग घबरा गया था, माता नहीं मानी।